भूत ढूंढने वाला डिवाइस, मुझे तो ये भूत ढूंढने वाला डिवाइस कम और ड्रंक एंड ड्राइव वाला डिवाइस ज्यादा लग रहा है। चल बता भूत कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, बोल यहाँ है, या फिर मेरे जेब में बैठा है, या फिर मेरे नीचे बैठा है, या फिर यहाँ मैं हूँ। सूर्या, तुम्हारी सूरत कितनी कमाल की है, और तुम खुद की ही शक्ल देखकर डर गए तो सोचो भूत का क्या होगा। अरुण के कहने के मुताबिक इस घर में सच में भूत हो ना, तो मैं उसको दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, दौड़ा दौड़ा कर। यहाँ टीवी रिमोट होना चाहिए था। संध्या, टीवी रिमोट। डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फाइट्स, जहां भी पॉलिटिक्स हो फाइट तो होनी ही है। सारे पॉलिटिशियंस को एक साथ बजरंगी भाईजान फिल्म दिखानी चाहिए। इससे तो अच्छा है कि मैं जुम्बा डांस देख रहा हूँ। नाम लिया तो जुम्बा हंसे। क्रेजी टेक्नोलॉजी। संध्या, मुझे पानी पिला दो। अगर बुरी आत्मा दूर हो तो ब्लू लाइट चलेगी, पास हो तो रेड लाइट चलेगी। हे भगवान, संध्या में भूत है। मुझे भूख लगी है। तुम्हें नॉनवेज बनाना आता है? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। मुझे कैसे नहीं आ सकता संध्या, मुझे तो सब आता है। जुम्बा चिकन, पेपर चिकन, मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए चिकन ले आता हूँ। एक बार चले गए तो वापस आओगे? मैं क्यों नहीं आऊंगा संध्या, वैसे भी मीट के बगैर नॉनवेज कैसे बनेगा। घर में मीट है। ये अरुण भी ना हर चीज का स्टॉक बना कर रखता है। कहाँ पर है? ओ ये रहा, मैं समझ गया संध्या, आई गॉट इट। इसी के बारे में बोल रही हो ना, ये बड़ा ही टेस्टी होता है। इसे मंचाओ सूप में डाल दो तो सूप एकदम कमाल का बनता है, am I right? इसे तुम खाओ, मेरे लिए तुम ये फिश बनाओ। ये फिश तो तुम्हारे पेट से ही नहीं कैसे खा सकती हो संध्या, तुम्हें तो पाप लग। भूत है तो कुछ भी खा सकती है। अब एक बात बताओ संध्या, तुम्हें मछली में कुछ और पसंद नहीं है क्या, जैसे बोम्बिल, पापलेट, प्रॉन्स एटसेट्रा? तुमने वहाँ इशारा किया मतलब वहाँ जरूर कुछ है। तुम करेक्ट हो, यू आर करेक्ट। पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ। हाँ, हाथ में आ गई, अभी बनाता हूँ। संध्या, स्पाइसी या मीडियम? कुछ भी नहीं, मैं कच्चा खाऊंगी। कच्चा? कच्चा खाएगी? ये सच में भूत है। मेरा वीकेंड हॉलिडे हॉरर हॉलिडे बन चुका है। सूर्या बेटा भाग ले यहाँ से। भागने के बारे में सोचना भी मत। अरे नहीं संध्या, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस ये देख रहा था कि यहाँ की सेफ्टी कितनी सेफ है। मेरी फिश कहाँ है? दिखाई नहीं देता, ट्रे में है। तुम मेरी फिश खा गए ना? मैंने नहीं खाई, सच में, कसम से। मेरी फिश खाकर मुझसे ही झूठ बोल रहे हो? नहीं संध्या, कसम से। बेवकूफ। संध्या, अरुण बचाओ। चिपक क्यों रहे तू? तुम सही कह रहे थे, यहाँ भूत का साया है, चलो निकलो यहाँ से। अरे रुक, संध्या को लेकर आ। अरे मैं भूत से भाग रहा हूँ और तू भूत को साथ में ले रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे संध्या ही भूत है। अरे यार, पहले तो संध्या ने मुझे मारा और अब ये भी मुझे मार रहा है, क्या करूं मैं? साफ साफ बता क्या हुआ? अरे यार, जब तुम यहाँ से गए तो संध्या ने जबरदस्ती मुझे फिश टैंक से फिश निकालने को कहा और वो कच्चा खा गई। खुद ही देख लो, बस चार ही मछलियाँ बची है। जरा देख, पांच ही है। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? कुछ और भी दिखाता हूँ, आओ आओ ना, दिखाता हूँ, आओ देखो देखो क्या है। रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, नहीं है रेड लाइट, नहीं है। वो देखो लाइट फ्लिक हो रही है, फ्लिक हो रही है, फ्लिक नहीं, फ्लिक हो रही है। अरे यार, अब कैसे साबित करूं कि संध्या में भूत है? एक मिनट, टीवी 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 को देखो, टीवी ऑन हो जा। देखा ना, मैं भी सोच रहा था कि ऐसे कैसे ऑन हो सकता है। अब आगे देखो, जूम टीवी, जुम्बा गर्ल्स का डांस। हाँ देखो, मैं भी यही सोच रहा था कि जुम्बा का नाम लिया और जुम्बा हाजिर कैसे हो गया। अरे मैं सच कह रहा हूँ अरुण, इन सब के पीछे संध्या ही है। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, ये सब संध्या कर रही है। तुम्हें कैसे पता? सूर्या, तुम्हें और भी कुछ बताना है? मुझे अपनी पैंट चेंज करनी है। इसकी पैंट गिली हो गई, ये सब क्या खेल है, बस भी करो ना। सूर्या तो सच में बहुत डरपोक है, इसे डराने में मजा आ गया। यार तुम्हें मेरी एक्टिंग सच्ची लगी ना? संध्या को लग रहा था कि वो मुझे डरा रही है और मैंने भी डरने का नाटक किया। अप्रैल फूल, मेरी एक्टिंग कैसी थी? एकदम बकवास। बाहर ब्रोकर आया, मैं मिलकर आता हूँ, दवाइयाँ अंदर रखिए, ले लेना। मैं भी मिलकर आता हूँ, बताता हूँ उसका घर कैसा है। हाँ बाय 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 बाय। अरुण अरुण अरुण, क्या करूँ? बाहर जाना है?
संध्या, तुमने पहले जो किया वो एक्टिंग थी ना? हाँ, तुम्हारे दोस्त के सामने मैंने एक्टिंग ही की थी। भूख लगी है, फिश खाना है। समझ गया, मैं अभी बनाता हूँ संध्या। यही सही टाइम है अरुण को यकीन दिलाने का, अभी उसे कॉल करता हूँ। हेलो, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलना। अरे संध्या ही भूत है, यकीन नहीं होता तो खिड़की से देख लो। एक्वेरियम में सिर्फ 3 मछलियां हैं और तुम्हारा वो जो डिब्बा है ना उसमें रेड लाइट अभी भी जल रही है। संध्या पागलों की तरह टेडी बेयर से बातें कर रही है, अगर यकीन ना हो तो। हो गया, या और भी कुछ बोलना है? वो मैं, ये फोन, वो फोन कैसे? वो यही भूल गया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी फिश कहाँ है? लास्ट टाइम मैंने कहा कि नहीं खाई तो इसने मुझे मारा था, इस बार उल्टा बोलता हूँ। संध्या बात यह है, मैं मछली खा गया। बेवकूफ। हाय संध्या। हाय। अरे सूर्या, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरुण ने कहा था कि हम पूरी आत्माएं उसकी छानबीन करने आए हो। छानबीन करने आए हो? जो भी हो मुझे कंपनी मिलेगी। वैसे अरुण कहाँ है? वो तो बाहर गया है। तुम बुरी आत्मा को ढूंढोगे कैसे? ये है साउंड रिकॉर्डर। हाँ। ये बुरी आत्माओं के साउंड को रिकॉर्ड करता है। पोलराइज्ड कैमरा। अच्छा। इससे आत्माओं को देख सकते हैं। हाँ। और ये है, ये मुझे पता है, वो दूर हो तो ब्लू लाइट, पास हो तो रेड लाइट। ये तुम्हें कैसे पता? एक्सपीरियंस है। मुझे कब मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस? संध्या को देख लो, फुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। संध्या को देखने से कैसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा? बुझी बत्ती, संध्या ही भूत है। क्या? हाँ माँ कसम, ये पोलराइज्ड कैमरा लो और देखो उसे। दिखा क्या? दिखा तुम्हें? अरे मुझे क्यों देख रहे हो यार? संध्या नॉर्मल है और तुम मुझसे भूत कह रहे हो? लगता है तुझमें भूत घुस गया है। क्या कह रहा है? लगता है कैमरा काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक। तुमने देखा मुझे? समझ में नहीं आता आखिर ये बात किससे कर रही है। बात तो टेडी बेयर से कर रही है लेकिन सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं। भगवान बचाए। अरे रुको रुको रुको, वहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? भूत यहाँ है, रेड लाइट यहाँ चलेगी। मुझे मत सिखा। अरे तुम्हें किसने साइंटिस्ट बनाया? थू। अरे ब्लू लाइट जल गई। दूसरी तरफ देखो। हाँ, रेड लाइट भी। दोनों मिलकर डिस्को लाइट बन गई है। कब से तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ मैं। क्या? सामने देखो। आइए मैडम। क्या हुआ? अब जवाब दो, फट गई क्या? गीली हो गई। इसकी भी पैंट गीली हो गई। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे ये इंस्ट्रूमेंट्स का ये जवाब देने के लिए इन्वेंट किए गए थे। चश्मा पहनते हो, टोपी पहनते हो, टोपी निकाल निकाल टोपी। साइंटिस्ट बता तू। जेमिनी टीवी। ये क्या, अंधेरा हो गया? ये कहां चला गया? जाने दो मुझे क्या करना है। अरे संध्या मैं भाग नहीं रहा था, वो दरअसल दीपक भाग रहा था तो मैं उसे समझा रहा था कि भाग मत, संध्या कुछ नहीं करेगी। अरे यार मैं दीपक ही हूँ। पीछे से डराने के बजाय दरवाजा नहीं खोल सकता था? मैं ट्राई करते करते थक गया यार, लेकिन संध्या की मर्जी के बगैर दरवाजा खुल ही नहीं सकता। डर मत, रिंगटोन है ये। हेलो। हेलो डार्लिंग। अच्छा तुम हो, बोलो। तुमने खाना खाया? डार्लिंग जब सिर पर टेंशन हो तो क्या खाना गले से उतर सकता है? क्या हुआ जी? क्या हो सकता है, अरुण बाहर है, वो घर में आ नहीं सकता और मैं घर में हूँ लेकिन बाहर जा नहीं सकता। सुनिए संध्या को अकेले मत छोड़िए, मौका मिलते ही उसे भी अपने साथ ले जाना। ओहो, मैं उससे भागना चाहता हूँ और तुम कहती हो कि उसे साथ लेकर चलूं। अब मैं समझ गया, तुम और संध्या एक जैसी हो। उसने मेरे दोस्त को फांस लिया और तुमने मुझे फांसा। तुम्हारे सामने भी रेड लाइट जलेगी क्या? रेड लाइट क्यों जी? रेड लाइट नहीं तो क्या जलेगी? मुझे लगता है तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान के सामने रेड लाइट जलेगी। बस यहाँ से निकलने दे। यहाँ से निकलने के बाद मैं वो डिब्बा लेकर तुम्हारे पूरे खानदान की रेड लाइट और ब्लू लाइट चेक करूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? अरे चुप। क्या हुआ भाई? अरे वाइफ का फोन है यार। वैसे तो परेशान करती है लेकिन कभी कभी अच्छे आइडियाज भी देती है। कैसा आइडिया? साइंटिस्ट हो ना, खुद ही पता लगाओ। मजाक मत कर यार, प्लीज बता देना भाई। ठीक है सुनो, तुमने रिंगटोन तो सुनी ना? हाँ। पाताल भैरवी मेरी फेवरेट फिल्म, मैं उसे 25 बार देख चुका हूँ और वो फिल्म मैंने अपने मोबाइल में सेव करके रखी है। मोबाइल में पाताल भैरवी कितने जीबी की है? ऐसे बेतु के सवाल पूछते हो इसलिए साइंटिस्ट बन गए हो। अब बिना सवाल पूछे मोबाइल देखोगे? बोलो बच्चे। ये सीन देखो। तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुई। सब कुछ धुंधला दिख रहा है यार, फोन डैमेज्ड है। अरे मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं तुझ पे अपना गुस्सा उतार सकूं। अपना चश्मा पहन लो प्लीज। अब देखो। देख लिया ना, मैं भी फर्श पे ऐसी ही डिजाइन बनाऊंगा।
और उसमें एक सेंटर बनाऊंगा, उस सेंटर में एक बोतल रखूंगा और मंत्र उच्चारण करूंगा, तब वो भूत किसी हिरनी की तरह उछलती हुई मेरे सामने आके बैठेगी, फिर मैं और एक मंत्र उच्चारण करूंगा जिससे वो उस बोतल में घुस जाएगी, फिर बोतल का ढक्कन बंद और उसे समंदर में फेंक देंगे। लेकिन हमारे शहर में तो समंदर है ही नहीं। हाँ यार, तो एक काम करेंगे, किसी नाले में फेंक देंगे, ठीक है ना? गुड आइडिया। पीले मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले पीले। मैं और नहीं पी सकता यार। पी सकता, ला इधर ला। इसे खत्म करने की इतनी तकलीफ क्यों कर रहा है? भूत इसमें घुस जाएगी तो खुद ही पी लेगी, नहीं पिएगी तो स्विमिंग कर लेगी। सूर्या, मैंने इतनी पी है लेकिन बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। भूत सामने हो ना तो चढ़ी हुई भी उतर जाती है। अरे रे रे रे, इसे मत फेंक, यही तो हमारा एग्जिट पास है। भूत के बोतल में घुसते ही ये ढक्कन लगा देना और फिर ऑल सेट। चलो डिजाइन बनाते हैं। एक्शन जीरो खेलना है। अबे बीच में हाथ मत डाल, मैं बना रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है, ये पूरा हो गया और ये बोतल सेंटर में रख दी। अभी उसे बुलाता हूँ। बुला 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 जल्दी। बंगी ना की, तोड़ी ना की, बुक्की करो ना की, आ जा। मैंने जो बर्थडे ड्रेस लाया था वो पहन कर आई है। अच्छा सुन, जब ये बोतल में घुसेगी तुरंत ढक्कन बंद कर देना। फुल टू टाइट बंद कर दूंगा। अबे इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। थूक। गंगे ना की, तोड़ी ना की, बोकी करी ना की, जा। अबे अबे छुट छुट। हो गया ना? हो गया। अबे उसके बोतल में घुसने के बाद बंद करना था, वो वापस चली गई। सब मेरी गलती है, मुझे क्लैरिटी रखनी चाहिए थी। इस बार क्लैरिटी रखूंगा। बोतल खोलना यार। रेडी। बंगी ना की, तोड़ी ना की, बुक्की करी ना की, आ जा। वापस आ गई भाई? आई नहीं, मैंने उसे बुलाया है। इस बार उसे बाटली में उतार कर ही दम लेना। क्या बात कही तुमने? बंगी ना की, तोड़ी ना की, बुक्की करी ना की, क्लैरिटी। बोतल में घुस जा।